लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। रांची की एक स्थानीय डेयरी ओसम मिल्क को इंडियन ओवरसीज बैंक जल्द ही डिफॉल्टर घोषित करने की योजना बना रहा है, क्योंकि कंपनी बैंक कर्ज नहीं चुका पा रही है। ऐसा नहीं कि कंपनी के पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं, पैसे तो हैं, वे भी पूरे 50 लाख, फिर भी कंपनी ब्लैकलिस्ट होने के कगार पर खड़ी है। दरअसल स्टार्टअप कंपनी ओसम मिल्क के पास 50 लाख से भी अधिक के रुपए के सिक्के हैं, लेकिन बैंक इन सिक्कों को लेने से इनकार कर रहा है। न ही इन सिक्कों का इस्तेमाल बाजार में हो पा रहा है। इसके चलते स्थिति यह हो गई है कि कंपनी अब कर्ज का पैसा भी चुकाने में असमर्थ है। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक की बरियातु शाखा कह रही है कि अगर कंपनी ने कुछ ही दिनों में पैसे जमा नहीं किए तो उसे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। इस समस्या पर ओसम कंपनी के संस्थापक सदस्य अभिनव साह ने RBI और इंडियन ओवरसीज बैंक के उच्च अधिकारियों को ट्वीट और मेल किया। मेल और ट्वीट पर बैंक अधिकारियों ने आश्वासन तो दिया है कि सिक्के लिए जाएंगे, लेकिन आखिर सिक्के जमा कब होंगे इसके बारे में कुछ भी साफ नहीं किया गया है। राजधानी के बाजार में सिक्कों की भरमार हो गई है। सिर्फ अपर बाजार के व्यवसायियों के पास लाखों रुपए के सिक्के पड़े हुए हैं। ऐसे में व्यवसायी न तो बैंक की किस्त दे पा रहे हैं और न ही बाजार में उन पैसों का भरपूर प्रयोग हो रहा है। RBI के रांची के प्रभारी महाप्रबंधक संजीव दयाल के अनुसार बैंकों को एक दिन में एक खाते में 1000 रुपए के सिक्के जमा करने हैं। इस नियम का पालन सभी बैंक कर रहे हैं। रही बात 50 लाख रुपए के सिक्कों की, तो इस बारे में बैंक और ग्राहक से बात कर रास्ता निकाला जाएगा।